बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलाइन कमांड को डिस्कस करेंगे। अलाइन बेसिकली कमांड करती क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करेगी, एक सीध में करेगी। जैसे यहाँ पे देखें, एक रेड ऑब्जेक्ट शो हो रहा है रेड कलर के अंदर और एक ब्लैक कलर के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो रेड कलर के दो पार्ट्स उन्होंने और दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा हुआ है, यानी एक लाइन, एक लाइन में इनको किया हुआ है एक सीध में। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ अलाइन करेंगे। तो सिंपल है, आपने अलाइन कमांड सेलेक्ट करनी है, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ले जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट सोर्स पॉइंट, सोर्स यानी जिसको जोड़ना है ये। अब वो पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, कहाँ इसको जोड़ें। हम कहते हैं इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दो। अब वो पूछ रहा है कि सेकंड सोर्स पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट हम कहते हैं ये। अब वो क्या पूछ रहा है कि सेकंड डेस्टिनेशन यानी जो मंजिल है, ये हमारा इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। अब हम एंटर करेंगे, उसके बाद वो पूछ रहा है कि स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइन पॉइंट्स, हम कहते हैं यस। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो अब इसके साथ लग चुका है। तो ये है हमारी अलाइन कमांड। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।